हाय गाइस कैसे हैं आप लोग सो so, दोस्तों मेरा नाम है प्रशांत जैन ग्रेजुएट फ्रॉम आई बॉम्बे ए आई आर फोर्टी टू जी टू थाउजेंड एट बीटे आई बॉम्बे आई एच गोल्ड मेडलिस्ट एनटीएससी क्वालिफाइड नेशनल ऑथर विद पियर्स एजुकेशन एंड मेंटर ऑफ प्लस स्टूडेंट्स लास्ट फाइव सो दोस्तों हम लोग जो जई मैथ रैंकर्स चैनल है उसके थ्रू आप लोगों को देना चाह रहे हैं एक क्वालिटी एजुकेशन जई मैथ रैंकर्स में जो भी कोर्सेस चल रहे हैं दोस्तों उन सभी के नोट्स और होमवर्क आप लोगों को मिलेंगे एच टी टीपी डॉट टाइन एल डॉट कॉम स्लैश जेई एडवांस मैथ सिंपली ब्राउजर पे जाइए इस लिंक पर क्लिक कीजिए आपको सारे लेक्चर नोट सारा होमवर्क सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा अगर आप लोग मेरी अपडेट्स को फॉलो करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है मेरा टी डॉट एम ई स्लैश पीजे फोर्टी टू प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए इसको ज्वाइन करते ही आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन जो सारे वीडियोस हैं सारी अपडेट्स हैं मेरे रिलेटेड वो मिल जाएंगे आप लोगों को सारे एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस अपडेट्स वो सब मिल जाएंगी अगर आप गाइड अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन बहुत ही ऑसम बहुत ही अमेजिंग होता है ठीक है इस सब्सक्रिप्शन के अंदर बेसिकली आप लोगों को क्या मिलता है लाइव क्लासेस वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर कोर्सेस अनलिमिटेड एक्सेस ये प्लस की बात है अगर आप लोग को एक हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो इसी के अंदर आप एडिशनल पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हैं टेस्ट एनालिसिस एक्सपर्ट गाइडेंस स्टडी मटेरियल स्टडी प्लानर तो आप लोग जा सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोस्तों एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को भी आराम से बीट कर सकता है क्योंकि आपको यहां पे एक पर्सन मिलेगा जो आपसे बात करेगा आपके पेरेंट्स से बात करेगा आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेगा सो गाइज यू कैन ऑफ फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू कैन वेरी वेल डिपेंड ऑन एन अकेडमी फॉर योर आई आई जेई प्रिपरेशन ठीक है एंड इट इज नॉट ओवर से बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये ऐसा किया है और उनको रिजल्ट भी मिले हैं वी हैव गॉट एज हाई एज 100 परसेंटाइल इन जेई मेन ब्रेटिन मॉन्डल इस बच्चे की 100 परसेंटाइल आई थी आप लोग को पता है ठीक है सो so दोस्तों अगर आप अनअकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एनएससी जेएस एनटीएससी प्री आर के लिए छह मंथ का आप लोग एनएसी, जेई नीट फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो वो 12,600 का होगा 15,750 वन ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा दोस्तों और टू ईयर का सब्सक्रिप्शन 18,900 का होगा ठीक है उसके बाद अगर आप लोग गाइज आई टी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं मुझसे पढ़ना चाहते हैं इलेवंथ और ट्वेल्थ क्लास के जो कोर्सेज हैं मेरे से पढ़ना चाहते हैं ड्रॉपर भी हैं आप तब भी आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं वन ईयर का सब्सक्रिप्शन थर्टी फोर थाउंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी का है टू ईयर का सब्सक्रिप्शन फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड है हाईली बेनिफिशियल है दोस्तों जेई ट्वेंटी के एक्सपीरियंस के लिए फिफ्टी का सब्सक्रिप्शन और जई ट्वेंटी के लिए वन ईयर का सब्सक्रिप्शन तो दोस्तों अपने आप को स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई दीजिए क्योंकि अकेडमी के अंदर आप लोगों को इनफाइनाइट टेस्ट सीरीज इनफाइनाइट स्टडी मटेरियल इनफाइनाइट फैकल्टी मेंबर्स हर एक फैकल्टी मेंबर्स के आप क्लास अटेंड कर सकते हैं किसी फैकल्टी के साथ आप लोग की ट्यूनिंग नहीं बैठी तो आप किसी और पे स्विच कर सकते हैं दोस्तों जो फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग को ऑफलाइन में नहीं मिलती है वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग को मिलेगी अन के प्लस प्लेटफॉर्म पर यह आइकॉनिक की प्राइसिंग है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था अगर आप इस प्राइसिंग को भी देखें टू ईयर का नाइनटी इट इज हाईली अफोर्डेबल एज कंपेयर टू दी ऑफलाइन कोचिंग्स ठीक है 24 मंथ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस नंबर को 24 से डिवाइड करेंगे तो 4000 से भी कम आएगा 4000 से कम में आप लोग आईआईटी जेई की बहुत शानदार पढ़ाई कर सकते हैं इनफैक्ट अगर आप कोटा भी आते हैं किसी भी जगह जाते हैं वहां पर रूम भी लेंगे ना रूम के रेंट से भी कम में यह आपका काम हो जाएगा सो so, दोस्तों यू शेक यू कैन ऑप फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल राइट एंड यू कैन गेट इन टू माई मेंटरशिप प्रोग्राम पीजे लाइव कोड आप लोगों को सिंपली यूज करना है मेरे साथ स्क्रीन शॉट शेयर कीजिए एंड देन यू विल बी इन माई मेंटरशिप प्रोग्राम अन अकेडमी का आज का डाउट फीचर भी आप लोग यूज कर सकते हैं जहां पर हजारों बच्चे अपने डाउट्स पूछ रहे हैं सिंपली आप लोग को क्या करना है इमेज क्रॉप करनी है और फिर एक सब्जेक्ट टैग करना है कौन सा सब्जेक्ट है और एक बार में एक ही डाउट पूछे तो ये डूज एंड डोंट्स है दोस्तों जो आप लोगों को ध्यान रखना है सो so, दोस्तों जल्दी से इस ऐप फीचर को भी आप लोग यूज कर सकते हैं और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर सो सो इज इज प्री प्री टू गिव इट दोस्तों पहले कुछ स्टेट्स के अंदर होता था उसके बाद से ये पूरे नेशनल लेवल पे हो गया राइट और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक प्री आर की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है जिन्होंने प्री आर के बारे में सुना है और ये देखा है कि यार आर... हा हमारे स्कूल के टॉपर्स प्री आर एग्जामिनेशन देने की कोशिश करते हैं बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स प्री आर एग्जामिनेशन को देने की कोशिश करते हैं उसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं सो so, ये एक ऐसा वीडियो है जिसके अंदर बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोग को बताऊंगा कि प्री आर एग्जामिनेशन क्या होता है वॉट इज प्री आर एम ओ हुट इज दिलेबस वाई एवरीबडी वॉन्ट टू गिव इट वी विल डिस्कस एवरीथिंग सो क्या क्या स्टेजेस होती है यार देना है ना क्या क्या स्टेजेस होती है प्री आर की वो हम लोग डिस्कस करते हैं ठीक है क्या क्या स्टेजेस होती है प्री आर की वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हम so, सो सबसे पहली स्टेज होती है की और इसके अंदर एक टाइम लाइन भी होती है हर साल ये एग्जामिनेशन तकरीबन अगस्त में होता है राइट right. जैसे इस साल ये एग्जामिनेशन पिछले साल 11 अगस्त और 25 अगस्त को हुआ था क्योंकि बारिश थी जनरली ये एग्जाम होगा सेकेंड संडे ऑफ अगस्त को इस साल कोविड है तो कुछ भी हो सकता है सेकेंड संडे ऑफ ऑगस्ट ठीक है फिर बेसिकली प्री आर क्या है प्रियरएम ओ इज फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्या है जिस तरह से ओलंपिक्स होते हैं जिसमें इंडिया अपने एथलीट्स को भेजता है उसी तरह से इंडिया मेंटल ओलंपियाड जो होते हैं जिसमें मेंटल हेल्थ आप लोगों की चेक होती है ऐसे बहुत सारे ओलंपियाड या ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है मैथ्स ओलंपियाड उसमें से एक है तो मैथ्स ओलंपियाड का जो इंटरनेशनल स्टेज होता है उसके लिए फर्स्ट स्टेज प्री आर होती है प्री आर <coughs> कैसे होती है क्या होती है थोड़ी देर में बताएंगे बट फर्स्ट स्टेज इसका होता है जैसे सेकेंड संडे ऑफ ऑगस्ट फिर सेकेंड संडे ऑफ अक्टूबर को आपका आर का पेपर होगा जो भी बच्चे प्री आर एम करेंगे वो आर का एग्जामिनेशन देता है फिर उसके बाद जो बच्चे आरएमओ क्लियर करेंगे कैसे कैसे क्लियर करेंगे वो थोड़ी देर में बताऊंगा वो इनमो देते हैं इनमो के बाद तकरीबन थर्टी फाइव स्टूडेंट विथ प्लस फाइव गर्ल्स पांच गर्ल्स भी सिलेक्ट होती हैं और छह क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट तकरीबन ये सिलेक्ट होते हैं आई एमओीसी के लिए लड़कियां क्यों सेलेक्ट होती है क्योंकि इसी प्रक्रिया के थ्रू यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड ई के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए लड़कियों को सेलेक्ट किया जाता है ईजीएमओ एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसमें केवल लड़कियां पार्टिसिपेट कर सकती हैं और इस एग्जाम में पार्टिसिपेशन के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेज लड़कियों के लिए एक बेसिक लेवल ऑफ रिजर्वेशन होता है और इस इसको इस तरह से समझिए देखिए जैसे ओलंपिक्स होता है ओलंपिक्स में कॉमनवेल्थ गेम होते हैं ठीक है मतलब ओलंपिक्स मतलब जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं एथलेटिक्स के अंदर फुटबॉल के अंदर वॉलीबॉल के अंदर अलग अलग जिम्नास्टिक के अंदर टीटी -टी के अंदर टेनिस के अंदर बैडमिंटन के अंदर तो ओलंपिक्स एक होता है जो सबसे बड़ा इवेंट है उसके बाद कॉमनवेल्थ भी होता है एशियन गेम्स भी होते हैं तो इसी तरह से एशिया फिजिक्स ओलंपियाड होता है मैथमेटिक्स ओलंपियाड ईजीएमओ होता है और फिर सबसे बड़ा इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है सबके लिए इस स्टेज से गुजरने की जरूरत है तो जो भी बच्चा ये एक ड्रीम रखता है कि भाई मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिक्स के अंदर वो इस प्रक्रिया से गुजरता है ठीक है फिर थर्ड ये इसमें इतने बच्चे होते हैं तकरीबन फिर पीडीटी क्या होता है प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप इसके बाद क्या है कि बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जब इंटरनेशनल स्टेज होती है उससे पहले केवल उन बच्चों का एक कैंप होता है जिसके तहत उनको ट्रेन किया जाता है लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाती है ताकि बच्चे आ, मतलब ताकि बच्चे उस चीज को आ, अच्छे से बता, अच्छे से प्रिपेयर जाए तो एक तरह से ये मान सकते हो आप कि ओलंपिक्स में जाने से पहले इंडिया का जो फाइनल कैंप होता होगा ना जिन एथलीट्स को इंडिया को रिप्रेजेंट करना है उनका जो कैंप होता है वो एक प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप होता है और लास्ट स्टेज होती है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड अलग अलग साल में अलग अलग कंट्रीज के अंदर होता है राइट तो ये पूरी स्टेज है सारी जो पूरी कहानी है उसकी कहानी स्टार्ट होती है कहां से प्री है से अब अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो आप लोग जल्दी से आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है जल्दी से आप लोग मुझसे पूछ लो भाई क्या डाउट है आपके इसके अंदर ठीक है ईबीएमओ भी होता है फॉर बॉयज अच्छा ठीक है भाई केवीपीवाई कोर्स का दोस्तों मैं बता चुका हूं ऑलरेडी वो बात की बात है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब सीट्स इन प्रियारम की बात करते हैं कितनी सीट्स होती हैं तो पूरे भारत को रीजनल कोऑर्डिनेटर्स में रीजनल मतलब पूरे भारत को रीजन में डिवाइड किया गया है और स्टेट्स नहीं होती वो रीजन होते हैं अब एक स्टेट में मल्टीपल रीजन हो सकते हैं जैसे साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार अलग रीजन है ठीक है नॉर्थ बिहार अलग है साउथ बिहार अलग है ये अलग अलग रीजन है ठीक है फिर राजस्थान एक रीजन है राजस्थान एक स्टेट है और एक ही रीजन है महाराष्ट्र और गोवा एक रीजन है मुंबई अलग रीजन है तो ऐसे पूरे रीजन में डिवाइड किया हुआ है पूरे भारतवर्ष को ठीक है अब पूरे इंडिया को जब इस तरह से डिवाइड किया गया है पूरे इंडिया को जब इस तरह से डिवाइड किया गया है तो क्या हर एक रीजन के करस्पॉन्डिंग सीट्स होती है देखिए थर्टी रीजन है जैसा मैंने आप लोगों को बताया हर रीजन में एट्थ क्लास से लेकर इलेवंथ क्लास तक थ्री हंड्रेड सीट से लेकर क्लास तक इलेवेंड सीट्स है और खास बात यह है कि पेपर एट्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक सेम आता है ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि पेपर अलग अलग आता होगा पेपर सेम आता है एक ही पेपर आता है और मैं आपको यह भी बता दूं बहुत बार ऐसा होता है कि एथ क्लास का बच्चा ज्यादा अच्छा कर रहा होता है क्लास के बच्चों से क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल नॉन रूटीन मैथमेटिक्स है ऐसा नहीं कि आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसके लिए स्पेशलाइज्ड एक पढ़ाई होती है राइट ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए 60 है। 60 है। हर रीजन में अलग से सिक्सटी सीट्स है तो अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूं थ्री सिक्सटी तकरीबन दस सीट्स है और इस वजह से इस एग्जामिनेशन का काफी चार में क्योंकि बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं तो इसलिए इस एग्जामिनेशन का बहुत ज्यादा चार में क्योंकि दस हजार आठ सौ तो केवल ये है फिर उसके बाद जे और के ये दो नेशनल चेन्स है इंडियन गवर्नमेंट की जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय इसके अंदर क्या होता है सिलेक्शन इन्हीं के हिसाब से होता है मतलब इनका और फिर एक सीबीएसई भी है कि सारे जो सीबीएसई स्कूल है ना उनका भी एक कोटा होता है बट ये कोटा ऑल इंडिया होता है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं अगर मान लीजिए एट्थ से इलेवेंथ दस हजार जे एनवी ने एग्जाम दिया और ट्वेल्थ के अंदर पांच हजार बच्चों ने एग्जाम दिया तो इन दस हजार में से पांच सौ बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि फाइव परसेंट सिलेक्शन है फाइव परसेंट मतलब जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे उसका फाइव परसेंट सिलेक्शन होगा सिमिलरली ट्वेल्थ के अंदर भी ठीक है. तो मतलब है इसका वन परसेंट मतलब कितना हुआ, हुआ. और इसका टेन थाउजेंड का फाइव परसेंट भी यही हुआ तो इसमें फाइव हंड्रेड बच्चे सेलेक्ट हो गए इसमें फिफ्टी बच्चे सेलेक्ट हो गए क्लियर है आप लोगों को सो so, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सिलेक्शन क्राइटेरिया समझना तकरीबन जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है 14,000 के करीब बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो हर एक स्टूडेंट टारगेट कर सकता है सक्सेस के लिए क्योंकि बच्चे को जब सक्सेस मिलती है ना गवर्नमेंट एग्जाम में तो वो नेचुरली मोटिवेट होता है इस एग्जामिनेशन के लिए अब नेक्स्ट चीज ये आती है तो सीट्स इन प्रियर में केवल फर्स्ट स्टेज की बात चल रही है आगे की स्टेजेस के लिए ये वीडियो है ही नहीं केवल इस स्टेज की बात चल रही है प्री आर एग्जामिनेशन के अंदर अब क्या कहानी है प्री आर एग्जामिनेशन की वो डिस्कस करते हैं सिलेबस हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्यों इसका सिलेबस अलग है क्यों इसका सिलेबस अलग है वो भी मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ एक मिनट ठीक है तो अब देखिए अब इस एग्जामिनेशन को देखते हैं नंबर थ्योरी एलजेबरा जोमेट्री कॉम्बिनेटोरिक्स क्या है ये ये सब चीजें क्या है मैक्सिमम बच्चे जो प्री के पेपर्स को पहली बार देखते हैं ना उनके दो फीलिंग्स होती है ऑनेस्ट फीलिंग होती है एक वो फैसिनेट होते हैं और अच्छा इस तरह की मैथमेटिक्स भी होती है दूसरा बहुत डिफिकल्ट है यार बहुत डिफिकल्ट अब मैं आपको इसका फ्लिपसाइट बताता हूं मैं आपको बताता हूं केवल दो नंबर में पंद्रह रीजन में सिलेक्शन हो जाता है आप सोचो पूरा पेपर आता है एक सौ दो नंबर का मैं पेपर पैटर्न की अगर बात करूं थर्टी क्वेश्चन आते हैं थ्री आवर्स होते हैं सिंगल या डबल डिजिट इंटीजर होते हैं सिंगल डबल डिजिट इंटीजर होता है मामला ठीक है वन से लेकर सिक्स तक दो नंबर के आते हैं जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर एक बच्चा पोटेंशियली कर सकता है मैं बता रहा हूं कर सकता है थोड़ी सी प्रिपरेशन सेवन से लेकर ट्वेंटी वन थ्री और ट्वेंटी टू से थर्टी के आते टोटल एक सौ दो नंबर का पेपर आता है तीन घंटे पहले से जो छठा क्वेश्चन तीन से चार मिनट लगते हैं सात से इक्कीस में तकरीबन छह मिनट लगते हैं और बाईस से तीस के अंदर तकरीबन दस मिनट पर क्वेश्चन लगता है और मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं थली ये पेपर इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि पूरा सॉल्व हो ही नहीं सकता तीन घंटे के अंदर घंटे के अंदर और इसी वजह से ये एक ऐसा पेपर है जिसमें 102 टाइप के नंबर कभी नहीं आते किसी बच्चे के 75, 76 आ जाए तो बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है तो पॉइंट क्या है हमारा टारगेट क्या है सिलेक्शन आज हम लोगों ने एक डिजिटल रेवोल्यूशन चला रखा है अन अकेडमी पर जिसमें हम लोग का टारगेट है थाउजेंड प्लस सेलेक्शन कर रहे है। मैं आप लोगों को प्रिया में पढ़ा रहा हूं यूट्यूब के थ्रू प्लस प्लेटफॉर्म के थ्रू और मेरा सिंपल एम है कि भाई मुझे थाउजेंड प्लस सिलेक्शन चाहिए मेरे पिछले तीन साल थाउजेंड सिलेक्शन है अभी तक और मुझे इस साल थाउजेंड प्लस चाहिए ठीक है ये मैंने टारगेट रखा है अब उसके लिए पढ़ना क्या है नंबर थ्योरी नंबर थ्योरी की अगर मैं बात करूं इट इज नॉट वेरी सिंपल नंबर थ्योरी के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर थ्योरी फिर प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्यूब्स एंड क्यूब रूट फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी कॉन्ग्रुएंस ये सब चीजें मेरे हिसाब से आप लोग देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जो मैंने यूट्यूब पे चला रखी है हर शाम बजे मैं लाइव आप लोगों को पढ़ाता हूं ठीक है के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा आएगा लीनियर इक्वेश आएगा और मैंने जो चीज देखी है ना कॉन्सेप्ट जो होता है वो नाइन टेंथ लेवल का होता है कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े से हैवी होते हैं जो ट्वेल्थ तक भी नहीं आते जैसे रिमाइंड का जो कॉन्ग्रुएंस है फॉर्मैट लिटिल थियरम है टोशन फंक्शन है कार्मिकाइल फंक्शन है इस तरह की कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल ही रिसर्च वाली मैथमेटिक्स के अंदर आती है बट वो करिकुलम का पार्ट नहीं है बट उसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा पेपर होता है दोस्तों खासकर अगर मैं प्रियार्मो की बात करूँ ना केवल प्रियार्मो की ऐसा कुछ भी नहीं है जो करिकुलम का पार्ट नहीं हो इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि भाई आप लोगों को प्रियार्मो का एग्जामिनेशन देना ही देना है प्री आरएमओ का एग्जामिनेशन बच्चों की कंपलसरी टारगेट होनी चाहिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि वो अपना मेंटल एप्टीट्यूड डेवलप करें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज डेवलप करें अपने आप को लॉजिकली अलाइन करें ताकि वो जेई और नीट जैसे एग्जामिनेशन दे सके राइट एलजेबरा के अंदर यह आता है ज्योमेट्री बिल्कुल ही अलग आती है इसके अंदर नाइन टेन लेवल का सेम आएगा फिर कुछ एडवांस थियोरम्स आती है केवास थियरम स्टीवर्ट थियरम अपोलोनियस थियरम बहुत सारी थियरम्स है जो हम लोग पढ़ाते हैं बट इसका सिलेबस काफी अलग होता है कॉम्बिनेटोरिक्स में बेसिकली परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन ही आता है और ये मेरा जितना एक्सपीरियंस है कन्वेंशनल पीएनसी आती है प्री आरएमओ के अंदर केवल प्री आरएमओ की बात चल रही है उसके अंदर कन्वेंशनल कॉम्बिनेटोरिक्स आती है फिर इनइक्वालिटीज रिलेटेड टू पॉजिटिव नंबर्स काफी ज्यादा फेवरेट टॉपिक है बट प्री आरएमओ में जो भी क्वेश्चन आता है क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है इंटीजर टाइप का पेपर होता है सिंगल डबल डिजिट इंटीजर होता है तो इसमें क्या होता है कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो हम सिखा देते हैं जिससे के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं बट ये जो पार्ट है ना जनरली आरएमओ में आता है और प्रॉब्लम डिफिकल्टी इंक्रीजेज विध लेवल जस्ट इमेजिन कीजिए आरएमओ जब मेरे टाइम पे भी होता था ना तो हम लोग को चैलेंज दिया जाता था तुम्हें लगता है ना तुम्हारी मैथ अच्छी है एक काम करो आरएमओ का पेपर दे के आओ घंटे छह क्वेश्चन जब मैंने पहली बार सुना था मैंने कहा अरे यार ये तो बहुत ईजी है मतलब मैं जेई की प्रिपरेशन करता था जेई के पेपर देता था तो बहुत बार मेरे हंड्रेड परसेंट मार्क्स जाते थे, थे मैथ्स के अंदर तो मेरे को लगता था मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है फिर जो हमारे मैथ्स के टीचर थे ना वो बोलते हैं तू एक काम कर आरएमओ आरएमओ का एग्जाम दे के आ में दोस्तों मेरे सत्रह नंबर आए थे एक सौ दो में से केवल सत्रह नंबर आए थे जब मैंने आरएमओ दिया था दो हजार सात के अंदर दो हजार सात में मेरे केवल सत्रह नंबर आए थे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं फिर उसके बाद मेरे को लगता था मैंने तीन क्वेश्चन सही कर दिए बट सोल्यूशन वो जो एक्सेप्ट करते हैं मैंने तो कैलकुलस भी लगा दी सब चीजें लगा दी तो आरएमओ अलग चीज है प्रॉब्लम डिफिकल्टी इंक्रीजेज विद लेवल और यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट चीज बच्चों क्या है कि आप लोगों को आरएमओ से मतलब हो या ना हो प्री आर एम ओ की प्रिपरेशन जल्दी जरूर करो यार प्री आर एम ओ की प्रिपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है अगली स्लाइड में मैं आप लोगों को बता रहा हूं प्री आर एम ओ की इंपॉर्टेंस क्यों है पहली बात तो ये डायरेक्टली हेल्प करती है केवीपीवाई और एनएससीजेएस के अंदर अब किसी बच्चे को रिसर्च में इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स जो आती है केवीपीवाई ऐसे एग्जाम में जो इलेवेंथ क्लास के अंदर होता है जो इलेवेंथ क्लास के अंदर होता है एग्जामिनेशन तो उसके अंदर दोस्तों क्या होता है उसके अंदर बेसिकली नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री दोनों आते हैं और नंबर थ्योरी ज्योमेट्री उसके अलावा आता है तो थोड़ा जनरली नॉन रूटीन मैथ्स बोलते हैं इसको जो रूटीन मैथ्स होती है वो एनटीएससी में आती है बोर्ड के अंदर आती है जेई मेन के अंदर आती है जेई एडवांस के अंदर आती है जिसके लिए एनसीआरटी की किताबें बनी हुई है बट केवीपीवाई एन एस के पढ़ने के लिए नॉन रूटीन मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है उसके लिए अगर आपने प्री आर एमओ की मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है तो काफी ज्यादा इजिली आप पेपर कर पाते हो मैं आपको अगर फैक्ट बताऊं तो जो बच्चे प्री आर एमओ के प्रिपरेशन करते हैं वो केवीपीवाई में मैथमेटिक्स के अंदर ट्वेंटी फाइव में से ट्वेंटी तक ले आते हैं एंड टू जस्ट टू गिव यूर कॉन्टेक्स फिफ्टी थ्री कट ऑफ है अब आप सोचो 53, 100 में से 53 थ्री कट ऑफ है आप मैथ्स में 25 में से 20 ले आए कितनी बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है और बहुत बेनिफिशियल बात है फिर सिमिलरली मेजर बेनिफिट इन आई एग्जाम बहुत सारे बच्चे ये उनका इंटरेस्ट होता है कि भाई मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर हमें इंटरेस्ट है मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को ट्वेल्थ क्लास में पता चलता है आई एग्जाम के बारे में इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जहाँ पे बी मैथ की पढ़ाई होती है प्योरली मैथमेटिक्स के अंदर करियर बनाए जाते हैं प्योरली मैथमेटिक्स के करियर भी हाईली रिवॉर्डिंग होते हैं बहुत अच्छी जॉब्स लगती है इवन इन आई दिल्ली के अंदर जैसे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच है उसकी करोड़ों की जॉब्स लगती है वहां पर क्या चाहिए यह एप्टीट्यूड तो अगर आप लोगों ने प्री आर के लिए पढ़ा है तो आप इस तरह का एप्टीट्यूड डेवलप कर पाते हो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प करता है बट मैं आपको ये चीज बता दूं दोस्तों और जिस जो बच्चा जेई एडवांस के लिए हाईली सीरियस है जिसके लिए जेई एडवांस ही सब कुछ है प्री थ क्लास में करना बेवकूफी है ट्वेल्थ क्लास में करना बेवकूफी है अगर वो आपकी जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है तो इलेवेंथ क्लास में जेई एडवांस के साथ साथ प्री आर एमओ उन बच्चों को करना चाहिए जो केवीपीवाई के लिए बहुत सीरियस है समझे मेरी बात जो बच्चे केवीपीवाई के लिए बहुत सीरियस है उन बच्चों को प्री आर एम ओ की प्रिपरेशन डेफिनेटली करनी चाहिए बाकी कोई हेल्प नहीं होती मतलब जैसे केमिस्ट्री ओलंपियाड फिजिक्स ओलंपियाड में इलेवंथ और ट्वेल्थ की फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है जेई की तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड में पढ़ने के लिए बट मैथमेटिक्स ओलंपियाड से एस सच कोई डायरेक्ट हेल्प नहीं मिलती ठीक है एसए के अंदर भी कोई बेनिफिट नहीं है कोई एक बच्चा पूछा सर एस में कितना बेनिफिट है एसए के लिए कोई बेनिफिट नहीं है मैं दोस्तों आपको सब चीजें बताऊंगा दोस्तों पूरा डिटेल्ड वीडियो है ये इसके अंदर हर एक चीज कवर होने वाली है कि कौन सा प्रिपरेशन कैसे होगा कैसे इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं हर एक चीज में बताऊंगा और मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं वन स्टॉप सोल्यूशन आपको दे दूंगा इस एग्जामिनेशन के लिए पक्का ठीक है तो जेई एडवांस में कोई हेल्प नहीं होती अब बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग फॉर प्री आर दोस्तों बहुत दिमाग लगा के मैंने ये किया सबसे पहला जो डायरेक्ट बेनिफिट है चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल कोई बच्चा इंडिया को अगर रिप्रेजेंट करना चाहता है तो उसको प्री आर के थ्रू ही जाना पड़ेगा राइट सेकेंड फर्स्ट स्टेप टू प्रिपेयर फॉर इंस्टीट्यूट लाइक आई एस आई एंड सी एम आई देखिए अब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनकी जॉब की चिंता होती है जिनको राइट कि सर हमारे बच्चे की जॉब कैसी लगेगी कौन कौन से करियर पाथ होते हैं तो एक करियर पाथ होता है जो प्योरली मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड होता है जो इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं सी चलाते हैं मैथ्स बेस्ड बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में उनके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना उसमें रूटीन मैथमेटिक्स तो आती ही है बट नॉन रूटीन मैथमेटिक्स भी आती है तो प्रीआर के लिए अब आप करो, एक 12th का बच्चा है, वो मुझसे बोलता है ऐसे बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म के तो है केवल मैथमेटिक्स आता है जैसे मान लो कोई बच्चा मैथमेटिक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिरी है फिजिक्स केमिस्ट्री उसकी वीक है तो वो आईएसआई का एग्जाम दे सकता है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं ठीक है तो इस एग्जामिनेशन के लिए ओरिएंटेशन के लिए पहला स्टेप है प्री आर जस्ट इमेजिन कीजिए कोई बच्चे ने नाइन्थ क्लास में प्री आर की बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर ली टेंथ में भी कर ली अब उसको आईएसआई के लिए वो बहुत सीरियस है तो वो क्या कर सकता है उसको एक नेचुरल एडवांटेज होगी वो क्या करेगा इलेवन ट्वेल्थ के लिए जेई प्रिपेयर करेगा जेई मैथमेटिक्स प्रिपेयर करेगा और प्री आर एमओ आरएमओ की प्रिपरेशन उसकी हो रखी है तो उसको बस कंसोलिडेट करेगा और इससे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों इससे बेनिफिट ये होगा कि वो बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है आईएसआई के अंदर उसके अलावा आईएसआई एग्जामिनेशंस के अंदर जो इनमो अवार्डी पहुंचते हैं और फिर कुछ क्राइटेरिया होता है की जरूरत नहीं होती तो आई और सी जैसे इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो प्रियर कैन बी स्टेप बिल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड ये दोस्तों इंपॉर्टेंट यही मानता हूं मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप प्री आर एम ओ लेवल की प्रिपरेशन को अगर आप प्री आर एम ओ लेवल की प्रिपरेशन करते हैं और आ, एक पढ़ाई कर रहे हैं प्री आर एमओ के हिसाब से तो आप एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर रहे होते हैं ठीक है और मैंने बताया मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसके अंदर एक स्टूडेंट है आ, मतलब उसका नाम भी ले सकता हूं तो यश संजीव ठीक है जो ब्रोन्ज मेडल जीता था इंडिया के लिए अब वो क्या टेंथ क्लास में कैंप के लिए सेलेक्ट हो गया था इलेवेंथ क्लास में उसने पूरी प्रिपरेशन की उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इलेवंथ क्लास के अंदर ठीक है अब इलेवेंथ क्लास में उसने रिप्रेजेंट किया तो आपको यह पता है कि मैथ्स ओलंपियाड में बहुत ज्यादा एनर्जी मैथ्स तो क्लास के में केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ी ही नहीं अब आप देख रहा उसने मैथमेटिक्स के अंदर भी कैलकुलस नहीं पढ़ी कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ी क्योंकि आरएमओ के अंदर आती नहीं है इनमो के अंदर आती नहीं है अब उसके साथ क्या सिचुएशन थी उसने ट्वेल्थ क्लास में सब चीजें कवर की वो सब चीजें कवर कैसे हो पाया क्योंकि उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड ही इतना सॉलिड था उसकी 109 या 108 रैंक आई आईआईटी के अंदर अभी वो आईआईटी में पढ़ भी रहा है बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी दोस्तों जस्ट अ सेकंड माइक सही कर लेता हूं मैं आई होप अब अब कोई दिक्कत नहीं आएगी अब कोई दिक्कत नहीं आएगी सो so, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो दोस्तों थी ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो यही थी कि भाई उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड ही इतना डेवलप हो गया था कि उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती थी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी वो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेता था, था चीज़ तो ये चीज आपको इनडायरेक्टली जेई e. में हेल्प कर सकती है अगर किसी बच्चे ने नाइन्थ तो और टेंथ क्लास के अंदर प्री आर एम ओ की प्रिपरेशन की है तो वो बहुत ज़्यादा इक्विप्ड होता है मैथमेटिक्स करने के लिए फिजिक्स करने के लिए केमिस्ट्री करने के लिए क्योंकि उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हो जाता है प्री आर एमओ पढ़ने से हमारे अंदर एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाती है कि भाई इस टॉपिक का मेन पॉइंट क्या है मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कॉन्सेप्ट को पकड़ो कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए जो सबसे अच्छी सबसे अच्छा तरीका मैं मानता हूं ना वो है प्री आर एम के लिए पढ़ लो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट को कैसे पकड़ना है मैथमेटिक्स में इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा ना कुछ नहीं हो पाएगा तो कॉन्सेप्ट पकड़ने की जो कला है ना वो आप प्री की प्रिपरेशन के दौरान सीखते हो और मैं आपको बहुत से कह सकता हूं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे राइट क्योंकि आपने मैथमेटिक्स का वो लेवल देख लिया जो पराकाष्ठा होती है ना मैथमेटिक्स की वो देख ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती हाँ बेटा सैट इज इजियर एडवांस तो ये बेनिफिट्स मैंने बता दिया आपको अब प्री आर एम ओ प्रोग्राम ऑफ अन अकेडमी आप देखिए दोस्तों प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है पहली बात तो मैं आप लोग को बताता दूँ दोस्तों नाइन्थ और टेंथ की जो एन है उस लेवल को आप कंप्लीट कीजिए पहले फिर आप मेरे लेक्चर देखना स्टार्ट कीजिए प्री आर एम ओ के अंदर यूट्यूब पे मैंने दिसंबर से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था प्री आर एम ओ प्री आर एम ओ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सिलेबस होता है तो इसके लिए मैंने पढ़ाना चालू किया दिसंबर में दिसंबर जनवरी के अंदर मैंने कंप्लीट कराया पूरा एलजेबरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीक्वेंसिंग सीरीज रिकरेंस रिलेशन ये सब चीजें मैंने वहां पे पढ़ाई अप्रैल में मैंने नंबर थ्योरी पढ़ाया नंबर थ्योरी खत्म हुआ फिर ज्योमेट्री अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज्योमेट्री से भी स्टार्ट कर सकते हैं अभी मैंने बिल्कुल प्रिलिमिनरी टॉपिक से ही चल रहे हैं उसके अंदर तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं दूसरा आप क्या कर सकते हैं <laughs> दूसरी चीज ये है कि आप लोग स्टार्टिंग से मेरे वीडियोस देख सकते हैं और मैं आपको यह बता दूं कि मैंने ये कोशिश की है कि वन स्टॉप सोल्यूशन बनाऊ प्रॉब्लम्स भी दी हैं स्टडी मटेरियल भी दिया है प्री आर आरएमओ का स्टडी मटेरियल दिया है मैंने आप लोगों को आरएमओ ओ का स्टडी मटेरियल ऑब्वियसली प्री आर एम ओ के बाद मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम सेशन आपको दिए हैं टॉपिक सेशन दिए हैं अगर आप लोग YouTube पे मेरा कोर्स फॉलो कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे फिर उसके बाद YouTube से मुझ मुझसे पढ़ने भी आए वहाँ पे प्लस प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे और ज़्यादा कस्टमाइज्ड प्रिपरेशन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ और ज़्यादा स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ तो अगर आप लोग प्रियारम्ब की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं मेरे वीडियो स्टार्टिंग से देखिए कोशिश कीजिए लाइव आने की एज सुन एज पॉसिबल मैंने दोस्तों जो कंटेंट दिया है मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेस्ट पॉसिबल कंटेंट मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की है राइट right? और अगर केवल ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो यह पिछले तीन सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पिछले तीन सालों में हजार से ज्यादा सिलेक्शन प्री आर के अंदर मेरे थ्रू हो चुके हैं जो बच्चे मुझसे पढ़े उसके अलावा मेरा जो कोर्स है मोस्ट व्यूड कोर्स है प्री आर का अब देखो प्री आर तकरीबन दो लाख बच्चे देखते हैं और मेरे जो वीडियोज हैं वो हाइएस्ट में थर्टी फाइव थर्टी एट थाउजेंड स्टूडेंट्स ने देखे हुए तो थर्टी फाइव थाउजेंड को अगर मैं दो लाख से डिवाइड करूं ठीक है तो सेवनटीन पॉइंट फाइव परसेंट स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियोस देखे हुए मतलब एवरी वन आउट ऑफ सिक्स वन आउट ऑफ सिक्स स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियो देखे हुए हैं मोस्ट व्यूड ऑनलाइन कोर्स था और उसके बाद जो दो का मेरा प्रियरमो का एनालिसिस था वो एक ही दिन में पच्चीस हजार बच्चों ने देखा था एक ही दिन में पच्चीस हजार बच्चों ने वो मेरा देखा था और उसके अंदर मैंने आंसर की डिस्कस की थी सब तरह की चीजें डिस्कस की थी राइट सो ये सबसे फेमस ऑनलाइन कोर्स है अन अकेडमी आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है इस कोर्स को यूट्यूब पे भी हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं उसके अलावा आप लोगों को अकेडमी प्लस पे भी दे रहे हैं फाउंडेशन प्लेटफॉर्म परी आर एम ओ अवेलेबल है जेई प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, है अगर किसी बच्चे का एन टी एस सी एन एस सी जैसे प्री आर एम ओ टारगेट है तो वो फाउंडेशन पे आके मुझसे पढ़ सकता है अभी भी कोई देर नहीं हुई है उसके अलावा अगर आप जेई आपका जेई टारगेट है एनएससीपी एनएस टारगेट है केवीपीआई टारगेट है तो आप लोग जेई प्लेटफॉर्म लेके मुझसे पढ़ सकते हो बट पॉइंट ये है कि प्री आर एम ओ पढ़ना हाईली रिवॉर्डिंग है खासकर एट्थ नाइन टेंथ के लिए तो मैं दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को कह रहा हूं एट्थ नाइन टेंथ के लिए तो कंपलसरी टारगेट होना चाहिए प्री आर के लिए पढ़ना अपने आप में एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है बहुत मजा आता है प्री आर के लिए पढ़ना आप लोग देख सकते हैं आप लोग फीडबैक ले सकते हैं ठीक है हाँ दोस्तों सैट इज इजियर देन जेई एडवांस सो so, दोस्तों आई होप आप लोग को जो लेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया लगा सो प्लीज अब जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों को एक तो ट्रैकर में होगा ही सही आप लोगों को पता ही जेई एडवांस जेई एडीवी मैथ करके आप लोगों को ट्रैकर पे जाना है उसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं जैसा मैंने आप लोगों को बताया ना की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है कोई भी एनटीएससी एन प्री आर किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट हो जेई एडवांस की जेई मेन की रिसेंट अपडेट हो मेरी स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सबकी सब चीजें आप लोगों को दोस्तों यहां पर मिलेंगी सो ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल ये मेरा अन अकेडमी पे यूजर नेम है आप अन अकेडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं एट द रेट प्रशांत फोर्टी जैन और जो एक टॉप रैंकर के लिए स्ट्रेटेजी होती है टॉप रैंक के लिए प्रयास तो किया ही जा सकता है वो अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप लोगों को उसके लिए इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी सो गाइज आई होप यू लाइक दिट सो कीप सब्सक्राइबिंग टू अन यूजिंग कोड पीजे लाइव और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो बेल आइकन को हिट करना ताकि आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे और अपने दोस्तों को भी दोस्तों इसके बारे में सजेस्ट करो थैंक यू